हेलो बच्चों, 12वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और यह लेक्चर नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलित वेग समीकरण और अभिक्रिया की अर्ध आयु पर आधारित आंकिक प्रश्नों को। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोज में हम लोगों ने अभिक्रिया की अर्ध आयु और वेग स्थिरांक के मध्य संबंध ज्ञात कर लिया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को भी समाकलित कर लिया था। तो ठीक है, आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। एक बात आप ध्यान दीजिए, आंकिक प्रश्न अधिकांशतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही होते हैं। ठीक है, यह हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। आधी मात्रा में वियोजित होने में कितना समय लगता है? 60 मिनट। इसका अर्थ क्या हुआ? जब कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए तो उसमें लगने वाले समय को अभिक्रिया का अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट जो दिया है वह क्या दिया है? अर्ध आयु, अर्ध आयु टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट दिया है। ठीक है, इसको चाहे तो हम सेकेंड में बदल लें, अन्यथा वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे तो मिनट इन्वर्स में आएगा। अगर इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो सेकेंड इन्वर्स में मिलेगा इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको वेग स्थिरांक का गणना करना है। और हमको पता है कि सूत्र क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है के इक्वल टू 0.693 बटे टी हाफ। यहाँ से हम इन वैल्यूज को रखेंगे, 0.693 बटे टी हाफ की जगह रखेंगे 3600। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.925 इंटू 10^-4। और इसका मात्रक किस में होगा? चूंकि समय सेकेंड में लिया गया है तो मात्रक सेकेंड इनवर्स में होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक टाइम इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होता है? टाइम इनवर्स। तो टाइम यहाँ लिया गया है सेकेंड में, यह सेकेंड इनवर्स में होगा। ये है आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? दिया है लाग 5 का मान और लाग 3 का मान। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके कैलकुलेशन में लाग के वैल्यू की जरूरत होती है तो वहां लाग का मान दिया होगा। हालांकि ये प्रश्न NCERT की बुक से ही है जहां लाग का मान नहीं दिया है, लेकिन अगर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है तो वहां लाग का मान दिया होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया है? वेग स्थिरांक दिया है इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। के का मान दिया है 1.15 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब 5 ग्राम प्रारंभिक सांद्रता है और 3 ग्राम अंतिम सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता को हम समीकरण में व्यक्त करते हैं R0 से, R0 इक्वल टू 5 ग्राम, और अंतिम सांद्रता इसको R से व्यक्त करते हैं इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक है, अब समीकरण क्या है? K इक्वल टू प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को लिखना है यहाँ।
2.303 / T log R जीरो का कंसंट्रेशन बटे R का कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। ठीक है, यहाँ से T को हमको निकालना है, समय ज्ञात करना है कितना समय लगेगा, तो T इक्वल टू K बटे में आ जाएगा 2.303 / K का मान रखना है, K का मान दिया हुआ है 1.15 × 10⁻³ log R जीरो की जगह 5 है और R की जगह 3 है। ठीक है, log 5/3 इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं 2.303 / 1.15 × 10⁻³ log 5 ऋण log 3। अब यहाँ log 5 और log 3 की वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हम फिलअप करें T इक्वल टू 2.303 / 1.15 × 10⁻³ log 5 की जगह रखेंगे गुणे log 5 की जगह 0.6990 ऋण log 3 की जगह रखेंगे 0.4771। इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, पहले इसको घटाना होगा। इक्वल टू 2.303 / 1.15 × 10⁻³। इनको घटाने पर हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.2219 × 0.2219। और यहाँ गुणा भाग तो करना ही होगा आपको, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो गुणा भाग कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ कैलकुलेशन खुद करके उत्तर निकालें। हमने कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है और इसका आंसर है T इक्वल टू 444 सेकेंड। ठीक है, तो अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में 444 सेकंड का समय लगेगा और यह है आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु। कार्बन 14 को हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव परमाणु है, कार्बन 14 कार्बन का रेडियो एक्टिव परमाणु है। C14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु 5730 वर्ष है। एक पूरा तत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% C14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। एक पूरा तत्व सामान रखा हुआ है लकड़ी का, उसमें क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन की मात्रा है, C14 की मात्रा है और C14 की अर्ध आयु दिया हुआ है, टी हाफ का मान 5730 वर्ष। ठीक है, तो उस नमूने में जीवित वृक्ष की तुलना में 80% C14 की मात्रा शेष बचा है। नमूने की आयु का परिकलन करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। टी हाफ C14 के लिए टी हाफ का मान दिया हुआ है 5730 वर्ष और सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, सभी रेडियो एक्टिव विघटन रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आते हैं। टी हाफ दिया हुआ है, यहाँ से हमको क्या करना होगा, इसके लिए वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से पहले के का मान ज्ञात कर लेते हैं। के इक्वल टू एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध है 0.693 / टी हाफ, तो टी हाफ की जगह इसको हम रखते हैं 5730 वर्ष और इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो यह वैल्यू आएगी 1.209 × 10⁻⁴ ईयर। ठीक है, वर्ष और ये इनवर्स होगा। ठीक है, क्योंकि यह के का मात्रक है।
अब क्या करना होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको समाकलित वेग समीकरण लिखना है, चूंकि k इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग आर जीरो बटे आर। ठीक है, यहाँ से आर जीरो और आर देखें क्या है, जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा शेष है। ठीक है, तो चूंकि आर जीरो का सांद्रण हम मान लेते हैं 100, ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, 80% बचा है, आर हो जाएगा 80। इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमको टी निकालना है। ठीक है, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए टी इक्वल टू 2.303, यहाँ हम रखेंगे के का मान 1.209 इंटू 10⁻⁴ लॉग आर जीरो की जगह हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे और आर की जगह 80। ठीक है, एक एक जीरो हटा देते हैं, कट जाता है 10/8, और यहाँ क्या दिया है, लॉग 10 का वैल्यू दिया हुआ है और लॉग 8 का, यहाँ हम चाहें तो सीधे भाग करा के और लॉग टेबल देख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए टी इक्वल टू 2.303 बटे 1.209 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ से हम रखते हैं लॉग 10 की वैल्यू और लॉग 8 की वैल्यू को, यहाँ ब्रैकेट में लेते हैं गुड़े लॉग 10 का मान ऋण लॉग 8 का मान। टी इक्वल टू 2.303 1.209 इंटू 10⁻⁴ लॉग 10 का मान और लॉग 8 का मान, यहाँ हम रखेंगे लॉग 10 का मान 1 और लॉग 8 का मान है 9031, तो ये क्या हो जाएगा 0.9031, और इसको घटाने पर आ जाएगा 0.00969। आप इसको घटा के देख लें तो यहाँ हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.069। चलो यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, पहले लॉग 10 का मान लिख रहे हैं 1 ऋण लॉग 8 का मान लिख दे रहे हैं 0.9031 बराबर 2.303 बटे 1.209 गुणे 10 के घात ऋण 4 गुणे 0.0969। और यहाँ कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन करें, हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी 1845 और ये इसका मात्रक क्या होगा, टी हम निकाल रहे हैं, वर्ष में दिया हुआ है समय, तो मात्रक इसका वर्ष। ठीक है, ये आंसर है। तो ये हुआ तीसरा प्रश्न, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम। और चौथा प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। अभिक्रियक का अभिप्राय अभिकारक से होता है, अभिक्रियक माने अभिकारक, दिया है लॉग 4 का मान 6021, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखो वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है के इक्वल टू 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग, यानी प्रारंभिक सांद्रता एक भाग है और शेष कितना बच जाता है, 1/16 भाग। जब क्वेश्चन प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम प्रारंभिक सांद्रता 100 मानेंगे, ठीक है, और जब क्वेश्चन प्रतिशत में नहीं है तो प्रारंभिक सांद्रता को 1 मानेंगे। तो आओ चलो यहाँ आर जीरो माना, प्रारंभिक सांद्रता आर जीरो बराबर 1 तथा अंतिम सांद्रता आर का मान है 1/16, क्योंकि 1/16 भाग बच जाता है। अब यहाँ आ जाओ समाकलित वेग समीकरण पे, के इक्वल टू 2.303 चूँकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, बटे टी लॉग आर जीरो बटे आर। अब यहाँ वैल्यूज को रख दो, टी हमको ज्ञात करना है, टी को इस साइड लेके आए 2.303, के की वैल्यू दी हुई है 60 लॉग
आर जीरो की जगह हम क्या रखेंगे, एक बटे आर की जगह क्या रखेंगे, एक बटे सोलह, एक बटे सोलह। अब ये सोलह ऊपर आ जाएगा या टी इक्वल टू 2.303 बटे 60 लॉग 16। और लॉग 16 को हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, या टी इक्वल टू 2.303 बटे 60 2 लॉग 4। यहाँ 2 क्या हो गया, गुणक हो गया, और लॉग 4 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। देखो इस वैल्यू को रखो, टी इक्वल टू 2.303 गुणे 2 बटे 60। लॉग 4 के लिए हम क्या रखेंगे, गुणे 0.6021। और यहाँ कैलकुलेशन करना होगा हमको, कैलकुलेशन आप खुद करके देखो, हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। और इसकी वैल्यू है 4.62 × 10⁻², 4.62 × 10⁻², सेकेंड। ठीक है, तो यह क्या हुआ, 1/16वां भाग रह जाने में लगा समय, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।